हरिद्वार अगर बेचल आए तो यहाँ जरूर घूमने आए। नीचे पार्किंग है, द एंट्रेंस यहाँ से भी कर सकते हैं। ये पेंटालून हरिद्वार का सबसे बहुत बड़ा मॉल है और यहाँ पे हर कंपनी अवेलेबल है जो आपको चाहिए, ओके वुडलैंड, रेड ऑफ लंडन, सफारी, जो भी आपको चाहिए, ऑल कंपनियाँ यहाँ पे अवेलेबल है। आपको यहाँ पे आके बहुत पसंद आएगा। यहाँ पे अगर आपको कपड़े लेना पसंद है तो यहाँ पे जरूर आ सकते हैं, या बड़ी ड्रिंक्स करनी है, बार घूमना है, या वेव सिनेमा में जाना है तो यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी ट्रैक्स हैं आपके लिए, बच्चों के लिए गेम्स हैं। ये सर है हमारे, ये देखो सर को दिखाओ, सर को हेलो सर से है। तो सर है हमारे, ये यहाँ पे बंडिंग जंपिंग करवाते हैं। तो वाह सर वाह, मॉल है यहाँ पे, ज़रूर ज़रूर घूमना है, मैं रिकमेंड करता हूँ आप सबको। मैक्टी है और ये बच्चों के लिए गेम्स है, ये डोमिनोज है, ये आंटियाँ हैं और ये मैक्टी है। ये यहाँ का मधुबन मंदिर है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही विशाल सा बना हुआ है, और कृष्णा राधा जी का बहुत ही ज़्यादा सुंदर मंदिर है। अगर आप यहाँ पे आए तो ज़रूर विज़िट करें, बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है मंदिर को इन्होंने, और मंदिर तो अपने आप में एक बहुत सुंदर होता है। मैं आपको अंदर के व्यूज़ नहीं दिखा सकता क्योंकि अंदर भगवान की मूर्तियाँ सब हैं, यहाँ पे अलाउड नहीं है, यहाँ पे फोटोज़ और वो लेना। बहुत ही सुंदर मंदिर है, आप यहाँ पर आएँ तो ज़रूर आएँ, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत शांति मिलेगी। चोटी वाला नाम सुना ही होगा आपने, ये बहुत फेमस है क्योंकि अपनी चोटी ऊपर जो ये बैठे रहते हैं, चोटी अपने ऊपर करके बैठे रहते हैं। आओ आपको दिखाते हैं ये कैसे बैठे रहते हैं, ये दिखाते हैं हम आपको। ये देखो ये चोटी वाले अंकल, पब्लिक कैसे इनके साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए मरती है, द फेमस चोटी वाले। यहाँ के फेमस छोटी वाला रेस्टोरेंट, ये यहाँ का राजस्थानी मिष्ठान भंडार, यहाँ का काफ़ी टेस्टी खाना है। ऋषिकेश का एंटर होते ही यहाँ पे ये पड़ता है मेन रोड पे, ये सारा सड़क जा रही है रामचूला मंदिर, हम जहाँ अभी घूम के आए हैं, और देन ये यहाँ सारा सड़क जा रही है रामचूला मंदिर, हम जहाँ अभी घूम के आए हैं, और देन ये यहाँ पे होटल, देन हम चलते हैं अंदर खाने के लिए।
और हम आ गए ऋषिकेश में और यहाँ पे राजस्थानी मिष्ठान भंडार। कभी भी आप यहाँ आए ज़रूर ट्राई करें। इनका खाना, इनकी थाली, इनके अलग अलग फूड्स हैं, मतलब बहुत टेस्टी है। और यहाँ पर आए तो ज़रूर खा के जाएंगे। थाली रिजनेबल रेट है, भीड़ यहाँ पे क्राउड बहुत है। वैल्यू फॉर मनी, पैसे मतलब दोगे तो आपको ख़राब नहीं लगेगा और खाना बहुत टेस्टी है। और सर्विस थोड़ी सी लेट है बिकॉज यहाँ पे भीड़ बहुत रहती है, लेकिन खाना बहुत टेस्टी है। वैल्यू फॉर मनी, और आप आए ज़रूर। थैंक यू सो मच। इनके नान देखिए कितने सॉफ्ट होते हैं। सबसे पहली बात विद बटर, ये देखिए पापड़, रोटी, ये सब मिलता है। और अपने को रायता मिलता है बूंदी वाला, वो बहुत टेस्टी होता है। दाल मिलती है मखनी दाल, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। फिर उसके बाद आता है पनीर और राइस, मिक्स वेज, देन फिर स्वीट्स में रसगुल्ला, और ये सब बहुत टेस्टी होता है। यहाँ पर आए तो ज़रूर ट्राई करें। सबसे बड़ी बात है इनकी रोटी और नान, सबसे ज़्यादा सॉफ्ट। यहाँ का प्रकाश लोक फेमस लस्सी, बादाम दूध, कुल्फी मिलती है, इनके लच्छे वाली आइसक्रीम। यहाँ पे हरिद्वार में आए, मोती बाजार में आए, इनके यहाँ ज़रूर ट्राई करें। अभी हम आपको दिखाते हैं ऊपर। तो अभी हम आए हैं प्रकाश लस्सी वाले पे। तो यहाँ का जो फेमस है लस्सी, फालूदा, और यहाँ पे एक बॉटल मिलती है दूध बादाम शेक की, जो कि बहुत टेस्टी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो अब हमारी फालूदा, लस्सी, दूध सब कुछ आ चुका है, तो मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसा होता है। और कैसा होता है कि आपको पता ही है, बट फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये लस्सी है, ये फालूदा है, और ये दूध है। बोतल इन पर ख़त्म हो चुकी है, तो इन्होंने हमें गिलास में ही प्रेजेंट कर दिया है, बट देखने में काफ़ी स्वीट है। बाकी अभी हम आपको खा के बताते हैं कैसा लगता है। हमेशा की तरह वही टेस्ट, वही सब कुछ। बाकी मैं आपको दोबारा फालूदा टेस्ट करके दिखाता हूँ। फालूदा देते हैं इनका, ऑसम, मतलब बराबर। और ये दूध क्या कहते हैं, बादाम काजू वाला जो होता है, ओवरऑल सब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। हमारी फैमिली जाते हैं तो हम यहाँ से स्टार्ट होते हैं आने का है, रियल। वैसे लोगों को वो पता है का मंदिर। आ जाओ आ जाओ। एक
शीतला माता को ही सती मंदिर बोला जाता है। दक्ष जी का घर जो आज मंदिर की उससे, ये दक्ष जी का घर है, ये मंदिर है सती माता का और ये उसी के रूप में पूजा जाता है। ये बहुत ही सुंदर लोकेशन है, आप अगर आए मंदिर आना चाहते हैं, धर्मस्थल पे आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, यहाँ बैठ के अपना भोजन कर सकते हैं घर से लाके। बहुत ही खूबसूरत जगह है, कभी आए तो आपको पता चलेगा। मैं आपको यहाँ पे स्पेशल इसलिए लाया था कि यहाँ पे नेचर भी, मतलब क्या बताऊँ, इतना खूबसूरत लगता है, इतना सुंदर है कि ऐसा लगता है यहाँ हम खो जाएं कहीं पे, इतनी शांति है, इतनी शांति, इतना खूबसूरत। यहाँ का शीतल पानी बहुत ही खूबसूरत, प्लीज जरूर आए, जरूर आए, बहुत ही खूबसूरत जगह है दक्ष का मंदिर। मैं दोबारा दिखा देता हूँ, बहुत शांति खूबसूरत मंदिर और बहुत ही खूबसूरत अपना ही एक, ये हरिद्वार छोले भगवती वाले यहाँ के फेमस, बहुत ही पुराने, इनको 30 से 35 साल हो चुके हैं। बैठने का भी इंतजाम है क्या? छोलों का पानी बहुत टेस्टी है और बहुत ही पुराने टाइम से चलते आ रहे हैं, मतलब 25-30-40 साल हो चुके हैं और अब हम लाइट उसका तो छोड़ेंगे। अब ये भी आपको टेस्ट करने बताते हैं, यह मिक्स टार्ट बकलावा, रेट 150 रुपये, देखते हैं इसका टेस्ट खा के।
इलायची चाय, चाय सुट्टा बार की। हमेशा की तरह रसगुल्ले छोटे छोटे डिफरेंट भैया ठीक है।